हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। टुडेज लेक्चर इज हिंदी। स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 14, रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अभी तक जितना भी हमारा सिलेबस हुआ है बड़ी यू की मात्रा तक का, उसके अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज करवाने के हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, यहाँ पे हमें कितनी मात्राएं हमारी चल चुकी है, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना। बड़ा ऊ तक हमने कंप्लीट करवा दिया आपको। अब वहाँ तक का सिलेबस आएगा हमारी एग्ज़ाम के अंदर। ओके, स्टार्ट करते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले है यहाँ पे लिखा है क को बड़ी ऊ की मात्रा को। क्या करोगे आप, पहले वन वन लाइन साथ में लिखते जाओ, ऐसा हो तो फिर डैश कर देना। आपको हमेशा व्यंजन याद रखने, क्या याद रखने हैं, व्यंजन क को बड़ी ऊ की मात्रा को, ख को बड़ी ऊ की मात्रा खो, ग को बड़ी ऊ की मात्रा गो, घ को बड़ी ऊ की मात्रा गो, और खाली ड को बड़े ऊ की मात्रा। ओके, क के बाद क्या आता है वो आपको लिखना है, उसके बाद में सिर्फ मात्रा आपको ऐड करनी है। ग के बाद क्या आता है, घ, तो उसे बड़े ऊ की मात्रा ऐड करनी है। उसके बाद है ट, ठ, ड, ढ और ण। ट के बाद क्या आएगा, ठ, तो ट के आफ्टर ठ, ड के आफ्टर ढ, ट, ठ, ड, ढ और ण। उसके बाद है द से दवाई, द, ध, न, प और फ, द, ध, न, प, फ। द को छोटी ई की मात्रा दी, ध को छोटी ई की मात्रा थी, न को छोटी ई की मात्रा नी, प को छोटी ई की मात्रा पी और ये फ को छोटी ई की मात्रा फी। द के बाद ध और न के बाद प। ओके, उसके बाद है भ, भ को छोटी ई की मात्रा भी, उसके बाद क्या आता है, म को छोटी ई की मात्रा मी, य को छोटी ई की मात्रा ही, उसके बाद आता है र को छोटी ई की मात्रा री और ये ल। उसके बाद है म को छोटी ऊ की मात्रा मो, य को छोटी ऊ की मात्रा यू, र को छोटी ऊ की मात्रा रू, ल को छोटी ऊ की मात्रा लू और लू, और लास्ट है व को छोटी ऊ की मात्रा वो। म य र ल व, यानी म को छोटी ऊ की मात्रा मु, यू, रू, लू और वो। उसके बाद है त को बड़ी ई की मात्रा ती, उसके बाद क्या आता है, थ को बड़ी ई की मात्रा थी, द को बड़ी ई की मात्रा दी, ध को बड़ी की मात्रा थी और न को बड़ी की मात्रा नहीं। ओके, तो ये हो गया फिनिश क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक जैसे शब्दों पर गोला बनाइए। सबसे पहला शब्द है यहाँ पे हाथी। ह को आ की मात्रा हा, ह को बड़ी की मात्रा थी, हाथी। यहाँ पे आपको जैसा शब्द यहाँ पे है उसको देख के आपको सिर्फ गोला बनाना है, यानी उसके जैसे शब्द पे गोला बनाना है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, हाथी, अचार और भाला। तो पहले आप जब रीडिंग करेंगे तब आपको समझ में आएगा कौन से शब्द पर आपको गोला बनाना है। ह को आ की मात्रा हाथ, ह को बड़ी की मात्रा थी, हाथी। तो हाथी और ये भी सेम है वर्ड, तो उस पर हम बनाएंगे गोले। उसके बाद है पपीता, प, प को बड़ी की मात्रा पी, तो को आ की मात्रा ता, पपीता। उसके बाद 3 ऑप्शन है आपके पास, चिड़िया, किसान और पपीता। तो सही शब्द क्या है, पपीता। तो इस पर आपको क्या बनाना है, गोला बनाना है। उसके बाद है कछुआ, कछुआ। आपके पास 3 ऑप्शन है, सड़क, कछुआ और मिल। सड़क और मिल, और ये क्या है, कछुआ। तो इसके जैसा शब्द यानी सेम है, तो इसे बनाएंगे हम सर्कल,
शब्द बनेगा कछुआ, तो सेम है तो दोनों पे आपको सर्कल करना है। फिर है यहाँ पे पुजारी, प को छोटे उ की मात्रा पु, ज को आ की मात्रा जा, र को बड़ी की मात्रा रे पुजारी। थ्री ऑप्शन है आपके पास, खेल, छिन और पुजारी, तो पुजारी सेम है, इस पे बनाना है आपको सर्कल। उसके बाद है कबूतर, क व को बड़े ऊ की मात्रा बूतर कबूतर, यहाँ पे लिखा है कबूतर, चुप और छुप, तो कबूतर पे क्या बनाएंगे हम, गोला बनाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे तरबूज, तर व को बड़े ऊ की मात्रा बूज तरबूज, कवि, खिला और तरबूज, तो तरबूज सेम है तो हमको क्या करना है, उस पर गोला बनाना है। उसके बाद है माचिस, माँ को आ की मात्रा माँ, च को छोटी ई की मात्रा चीज माचिस, यहाँ पे आपके थ्री ऑप्शन है कान और जाल, और ये सेम शब्द है माचिस, तो म को आ की मात्रा माँ, च को छोटी ई की मात्रा चीज माचिस, सेम शब्द है तो उस पर बनाएंगे हम गोला। उसके बाद नेक्स्ट है किला, क को छोटी ई की मात्रा की, ल को आ की मात्रा ला किला, थ्री ऑप्शन है हमारे पास, घड़ी, हाथी और किला, क्या लिखा है, घड़ी, हाथी और किला, क्या लिखा है, सेम शब्द पे हमें क्या बनाना है, यहाँ पे गोला बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे गमला, गमला, श्रीमान, माली और गमला, तो गमला सेम है तो उसको देख के आपको यहाँ पे गोला बनाना है। नेक्स्ट है छाता, छ को की मात्रा छा, तो को काफ़ी मात्रा था छाता, थ्री ऑप्शन है कवि, खिला और छाता, तो छाता लिखा है उस पर हम बनाएंगे। एक जैसे शब्दों को जोड़ना है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर थ्री, एक जैसे शब्दों को जोड़। प को बड़ी की मात्रा पीतल, पीतल सेम शब्द है, पीतल को सेम शब्द के साथ जोड़ना है। पीड़ा, प को बड़ी की मात्रा पी, ड को अपनी मात्रा डा पीड़ा, उसके साथ इसे ज्वाइन करना है। जामुन, ज को अपनी मात्रा जा, म को छोटी की मात्रा मुन जामुन, इसके जैसे शब्द के साथ आपको इसे जोड़ना है। बुखार, ब को छोटी ऊ की मात्रा बु, ख को आ की मात्रा आर बुखार। चूहा, च को बड़े ऊ की मात्रा चू, ह को आ की मात्रा हा चूहा। सूरत, स को बड़े ऊ की मात्रा सूरत सूरत, ये सेम शब्द है उसके साथ में इसको मैचिंग करना है। माली, म को आ की मात्रा मा, ल को बड़ी की मात्रा ली माली, सेम शब्द के साथ मैचिंग करना है। उसके बाद है ज्ञानी, ज्ञ को आ की मात्रा ज्ञा, न को बड़ी की मात्रा ज्ञानी। गमला, ग म ल को आ की मात्रा ला गमला, इसके साथ हमें सेम मैचिंग करना है। छाता, छ को आ की मात्रा छा, त को आ की मात्रा ता छाता, और लास्ट है पुजारी, तो सेम शब्द के साथ इसे मैच करना है आपको। ओके, तो ये फिनिश होता है क्वेश्चन नंबर थ्री। नाउ न्यू पेज पे आपको लिखना है गिनती लिखें, क्या लिखना है, गिनती लिखें एक से बीस तक, तो बीस तक गिनती है, सॉरी एक से दस तक, सॉरी यहाँ पे एक से दस तक आपको गिनती लिखनी है, बस इसी तरह से आपको लिखनी है। एक, मैं जानती हूँ कि मात्राएँ कोई कोई इसके अंदर जो आपने अभी तक पढ़ी नहीं है वो भी इंक्लूडिंग है, सो थोड़ा सा आपको इसमें ज़्यादा लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे है एक, द को ओ की मात्रा दो, त को बड़ी की मात्रा तीन तीन, च को आ की मात्रा चार चार, प को आ की मात्रा पाँच और चंद्रबिंदु, छः इच्छा करना है इस तरह से डॉट करना है, सात, स को आ की मात्रा सात, आठ 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 और नौ, नौ को ओ की मात्रा नौ, दस और इस तरह से दस। ओके, तो गिनती आपको कंपलसरी टू टाइम लिखनी है और आगे का वर्क आपको सिंगल टाइम है। ओके, लेक्चर नंबर और डेट मेंशन करके
ये वर्क स्टार्ट कर देना, ऊपर रिविज़न लिख देना, इसके एक्स्ट्रा भी 5 क्वेश्चन हैं अभी हमारे पास और, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट करवाएंगे और मात्रा भी करवाएंगे नेक्स्ट वाली। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।